चांदनी तो आई नहीं। चलो मुझे लगता है वो भूल गई। तो क्या करना, अगर प्रोजेक्ट यहाँ पर ना मिले तो फिर क्या करना, व्यू में जाना, टूल विंडो, और यहाँ पर जाके प्रोजेक्ट। ओके, ऐसे करोगे ओके तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट का विंडो इधर आ जाएगी। ओके हाँ, प्रोजेक्ट। अब क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, और न्यू में क्या करना, वो मेन सेलेक्टेड था इसलिए आ रहा था। यहाँ पर हम आएंगे फाइल, न्यू, और न्यू में क्या प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट ओके पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जावा, ये जो प्रोजेक्ट एचडीके है ये 1.8 ही आना चाहिए, ठीक है, ठीक या फिर यहाँ पर वो वर्जन आएगा जो जावा का इंस्टॉल है तुम्हारे में। तो अभी हम जावा 1.8 पर काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या बताया 1.8। बाकी किसी भी चीज को तुम टच नहीं करोगे, जैसे मैंने बोला ये मेरा तो परचेस्ड वर्जन है इसलिए मेरे में ऑप्शन ज्यादा है, लेकिन जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो चीजें बस ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट प्रोजेक्ट, वो क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आएगा प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट नाम दे देना है, जैसे हमने डाल दिया फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ठीक है ठीक ये है उसकी लोकेशन जहाँ पे प्रोजेक्ट सेव हो रहा है, सी यूजर 9P/IDEA/Project/FirstApp। तो यहाँ पर क्या कर देना, फिनिश कर देना। अगर इस तरह का आता है तो इसमें ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट आप ओपन करोगे वो इसी विंडो में ओपन करना है या न्यू विंडो में। अगर हम इसी विंडो में कर देंगे तो पुराना वाला प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा और नया वाला ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट, हाँ पुराना वाला, ओके ठीक है, और नया वाला प्रोजेक्ट हमारा जैसे फर्स्ट स्टेप हमने क्रिएट करा था वो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आने के बाद ये जो SRC है, SRC के अंदर ही हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अपनी जावा की फाइल्स को। ओके, तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है SRC पे, न्यू, न्यू में क्या, जावा क्लास। ओके, जावा क्लास में हमने लिख दिया मतलब माई क्लास, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ रहा है क्लास इंटरफेस इनम एनोटेशन और जावा एफएक्स एप्लीकेशन, तो इसमें आपको केवल क्लास सेलेक्ट करना है, बाकी सेलेक्ट मत करना अभी इनिशियली, ठीक है, और इसे हम एंटर कर देंगे। आ गया पब्लिक माई क्लास। एक चीज और याद रखना कि जब भी इस तरह का प्रोग्राम बनाओ तो फिर मल्टीपल क्लासेस ना हो, और अगर मल्टीपल क्लासेस हैं तो उस क्लास को पब्लिक मत बनाना, इसका रीजन अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। इतना क्लियर। इसके अंदर हमने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को तुम शॉर्ट में लिख सकते हो PSVM। PSVM लिखेंगे तो फिर यहाँ पर आ रहा है मेन मेथड डिक्लेरेशन, इस पर एंटर कर दो तो अपने आप लिख जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मान लो हमारी क्लास है, कि क्या क्लास हमारी है कोई भी, चेक, और चेक के अंदर क्या है, एक मेथड है void this, ठीक है, और ये क्या ले रहा है, ये एक पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग str, हमने प्रिंट करा लिया system.out.println क्या str। ओके, अब ये जो ओके मेन मेथड है, मेन मेथड में हम क्या करेंगे, ये वाली जो क्लास है माई क्लास ये क्या करेगी, इनहेरिट करेगी किसे, चेक को। और अगर हमें चेक का ये वाला मेथड एक्सेस करना है कहाँ पर, यहाँ पर, तो हम इसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं माई क्लास के, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रही है, माई क्लास इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टी किसकी, चेक की। तो यहाँ पे माई क्लास देखो, हम कुछ भी लिखेंगे तो नीचे अपने आप सजेशंस आते रहते हैं, तो तुम वहां से भी सेलेक्ट कर सकते हो, CL=new my class और CL.disp आ गया अपने आप। अब डिस्प के अंदर अगर यहाँ पर देखो, जब भी हमने यहाँ पे डिस्प को कॉल करा तो कुछ लिखा हुआ आ रहा है,
क्या लिखा हुआ आ रहा है अभी इसके अंदर, कुछ है नहीं है। यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट अगर मैं लिख रहा हूँ क्या, हेलो मनु, मैंने लिखा हेलो मनु, तो इसके आगे एनोटेशन अपने आप आ गया एसटीआर का, आ गया। अगर यहाँ पे एसटीआर की जगह कोई और वेरिएबल होता, जैसे मान लो होता क्या वैल्यू, तो इधर एनोटेशन किसका आ गया, वैल्यू का आ गया ऊपर। यस सर। हाँ, तो ये केवल एनोटेशन बताता है। ये क्या बताता है कि ये जो डिस्पो मेथड है इसमें जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो वैल्यू पैरामीटर को जाएगा, ठीक है। अगर इसके और अलावा, ये इसके अलावा अगर एक इंटीजर होता, इंटीजर आई, तो अगर हम कुछ भी वैल्यू कॉमा लगा के अगर हम कोई भी देते वैल्यू 12, तो फिर ये क्या आ गया, नोटेशन आई आ गया ना अपने आप। तो ये चीजें हमें लिखनी नहीं होती, क्योंकि क्या है, ये तो आईडी है, इसलिए ये बता रहा है कि ये वैल्यू किसे पास होगी, ये वैल्यू पैरामीटर को पास होगी, और ये जो 12 है ये किसे पास होगा, आई को। ओके ओके। अब इसमें हमें रन कराना है, तो हमारे पास दो क्लास है, एक चेक है और एक क्या माई क्लास। अगर हम चेक क्लास पे हमने क्लिक करा हुआ है और जब हम इसे रन करा रहे हैं राइट क्लिक करके, तो यहां पर ऑप्शन क्या आ रहा है, माई क्लास डॉट मेन आ रहा है। यस। हाँ, यहाँ पर चेक नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि चेक के अंदर मेन मेथड नहीं है। हम इसे रन कराएंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, हेलो मनु। और सर यही अगर हमें एडिट प्लस में करना होता तो एडिट प्लस में करते, बस उसमें हमें वैल्यू और आई नहीं लिखना होता, क्योंकि ये तो एनोटेशन है ना, ये इसी का फीचर है। एडिट प्लस प्लस में तो मैं अभी तक करा था, वो आया हूँ तुम लोगों को प्रोग्राम। तुम्हें कैसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रही हो, बताओ। तो पता नहीं मेरा क्यों नहीं रन हो रहा था सर। हाँ, क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रही थी, और मैंने बोला ना कि प्रोग्रामिंग में लॉजिक्स और कंसंट्रेशन ये बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए, ठीक है। अभी इंटेलिजे में काम करना आ गया, ज्यादा टफ नहीं है। इसकी जो भी है ये रिकॉर्डिंग वो तुम्हें मिल जाएगी, अपने जो भी प्रोग्राम है वो यहाँ पर बनाते रहना। अब आर्यन के क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाइल लूप, क्लास हमने मान लो क्रिएट कर ली क्या टेस्ट, ठीक है, और इसके अंदर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब टेस्ट के अंदर हमने क्या करा, टेस्ट के अंदर हमने एक मेथड बना दिया वॉइड चेक, और चेक के अंदर हमने दिया है एक इंटीजर ए इज इक्वल टू जीरो। अब व्हाइल लूप क्या कहता है, व्हाइल लूप ये बोलता है कि जो भी व्हाइल लूप है उसकी बॉडी जो भी होती है वो बॉडी तभी एग्जीक्यूट होती है जब व्हाइल लूप के साथ कोई भी जो भी बुलियन एक्सप्रेशन है या फिर जो भी इसके अंदर पैरामीटर दिया गया है उसकी रिटर्न वैल्यू किस टाइप की होनी चाहिए, बुलियन। ओके, और ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब वो कंडीशन होगी ट्रू। तो मान लो क्या है, ए इज लेस देन 10, तो प्रिंट हो जाना चाहिए क्या ए। अब अगर ए प्रिंट होता रहेगा तो ए की वैल्यू जीरो है, ए लेस देन 10 है, ए प्रिंट हो गया फिर वापस आ जाएगा, फिर जीरो मिलेगा फिर प्रिंट, और ये क्या चलता रहेगा इनफाइनाइट। इसलिए हम क्या कर देंगे, ए को इंक्रीज कर देंगे, उससे क्या होगा कि एक टाइम पर ए की वैल्यू आएगी 10, और 10 लेस देन 10 होगा नहीं, तो फिर कंडीशन फेल हो जाएगी। और अगर यहाँ पर कंडीशन फेल होती है या फिर यहाँ पर हमें क्या मिलता है, किसी भी टाइप का आर्ग्यूमेंट अगर हमें क्या मिलेगा फॉल्स, तो फिर व्हाइल का जो भी बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हमें मेथड कॉल कराना है, तो न्यू चेक डॉट ओ सॉरी न्यू टेस्ट डॉट चेक, अब इसे हम रन कराएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसे तुम ऊपर भी कर सकते हो, आउटपुट अगर ज्यादा बड़ा आ रहा है, या साइड में ये स्क्रॉल का ऑप्शन है। अगर मान लो ए प्लस प्लस नहीं लगाते तो ये क्या चलता, इनफाइनाइट टाइम।
चल रहा है 0 0 0। अब कमांड प्रॉम्प्ट में तो हम क्या करते थे, कंट्रोल सी कर देते थे और वो चीजें रुक जाती थी। और यहाँ हम क्या करेंगे, ये तो मैं बटन दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर बटन रेड कलर का, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे ठीक तो ये अपने आप रुक गया। और इस तरह से लिखा गया, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड -1। है सर। इसमें पास सेट नहीं करते? इसमें पास सेट नहीं करते, ये आईडी है इसका। जो वीडियो है मोना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? आर्यन, और कोई डाउट? अगर इसमें हमें कंटिन्यू का यूज करना हो इसका तो मुझे कंडीशन बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा। कंटिन्यू हम किस लिए यूज करते हैं? कंटिन्यू हम इसलिए यूज करते हैं, कोई भी वैल्यू को स्किप करने के लिए। हाँ, किसी भी वैल्यू को, या फिर जो नेक्स्ट हमारे स्टेप्स होते हैं उन्हें, क्या उन्हें स्किप करने के लिए। कंटिन्यू जो रखता जैसे है कि डायरेक्ट बिगनिंग ऑफ द लूप कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है बाय स्किपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सर हमें 5 और 6 को स्किप करना है तो उसके लिए एवर से को तो है सीधा सा, इफ आई इक्वल इक्वल 5, ओ सॉरी ए है, ए इक्वल इक्वल 5, और यहाँ पे कंडीशन लगा दो, और ए इक्वल इक्वल क्या 6, तो क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। अदरवाइज क्या कर दो, ए का इंक्रीमेंट। लेकिन यहाँ पर आके 5 की कंडीशन पे क्या होगा, वो रुक जाएगा, ठीक है? क्योंकि इंक्रीमेंट तो होगा नहीं, तो इसलिए हमने क्या करा, इंक्रीमेंट पहले दे दिया। और हमने ये प्रिंट का कराया, प्रिंट हमने कराया बाद में, ओके? सॉरी सॉरी, अब यहाँ पे 5 और 6 आ रहा है। हेलो, यस सर। नहीं 5 और 6 नहीं आ रहा ना, तो वही हमने कंटिन्यू कर दिया। क्योंकि कंटिन्यू ने क्या करा, कंटिन्यू ने ये करा कि जब भी कंटिन्यू जो आया तो उसने नेक्स्ट जो स्टेटमेंट थे उनका एग्जीक्यूशन रोका, और डायरेक्ट क्या करा, डायरेक्ट कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, एट द बिगनिंग ऑफ द, ठीक है? और कोई क्वेश्चन आर्यन? नो सर। उसमें वाइल लूप का भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, तो तुम उसे पढ़ सकते हो वहां से। हाँ सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। देखो बच्चों, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ प्रोग्रामिंग के बारे में, जो टीचर नहीं बताते। वो केवल क्या करते हैं, वो केवल बच्चे को प्रोग्राम रटाते हैं, ठीक है? प्रोग्रामिंग के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि हम प्रोग्रामिंग किस पर करते हैं, कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर हमेशा हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग चलता हो, इंस्ट्रक्शन हमारे फॉलो कर रहा है ना। अब यहाँ पर हम जो भी चीज चाहें उस तरह से हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, एरर आ जाएगी, तो कोई बात नहीं, दोबारा देखो, उसके बाद दोबारा देखो। मैं प्रोग्रामिंग कराता हूँ, तो प्रोग्रामिंग कराते वक्त मैं तुम्हें ये प्रूव करता हूँ कि हाँ इट इज पॉसिबल, या फिर इस तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है, या फिर इस तरह से हम प्रोग्राम लिखते हैं, यही तो कराता हूँ मैं, ठीक है? तो तुम्हें इस चीज का ध्यान देना है। सर, तो आप अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर। हाँ बताओ सर। आप तो बोलते हो जैसे आपने कंटिन्यू वाली कंडीशन लगाई, फिर उसमें वो बिगनिंग से स्टार्ट कर देता है, ओके? तो कंटिन्यू में तो फिर सर प्रिंट प्रिंट कैसे होता है फिर, वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो हम लेते ही हैं। बेटा देखो, एक बात ये बताओ, इस पूरी दुनिया में कितने लॉजिक्स हैं? बहुत सारे, अनकाउंटेबल, ओके?
तो यहां पर तुम लॉजिक पे अभी जोर मत दो। सबसे पहला जो तुम्हारा टास्क है वो क्या है, तुम्हें जावा प्रोग्रामिंग सीखनी है। जावा प्रोग्रामिंग सीखते हुए जो तुम्हारा मेन टास्क है वो ये है कि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर प्रोग्राम में कुछ भी चीज लिखी हुई है तो वो क्या है। अगर जो कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट वहां पे लिखा हुआ है या फिर यूज करा हुआ है तो वो हमें मालूम होना चाहिए। अब तुम लोगों को ये मालूम है कि अगर ऐसा लिखा है कि क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, तो तुम्हें मालूम है यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इनहेरिटेंस। अगर कोई कहीं पे भी वाइल लिखा हुआ तो तुम्हें मालूम है कि ये वाइल लूप है। अगर कहीं पे डू लिखा हुआ और नीचे वाइल लिखा तो तुम्हें मालूम है डू वाइल लूप है। अगर कहीं पे ब्रेक लिखा हुआ तो तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, फेल होगी वो कंडीशन, यहाँ से जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और स्टॉप। डायरेक्ट हाँ कंट्रोल बाहर आ जाएगा ब्रेक की, हाँ वो लूप की बॉडी से या फिर स्विच केस से। कंटिन्यू है तो तुम्हें मालूम है कि यहाँ से ये कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर करेगा, एट द बिगनिंग ऑफ द लूप। हाँ तो ये सारी चीज है ना, तुम्हें ये मालूम है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा गया है तो वो कैसे क्रिएट होगा। तुम्हें ये मालूम है कि ऑब्जेक्ट से हम अगर किसी भी मेथड को कॉल कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट, वो जो मेथड होगा वो इंस्टेंस मेथड होगा। अगर किसी भी मेथड के अंदर हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो फिर वो मेथड जहाँ पे भी डिक्लेयर है तो वहां पर उसी टाइप की वैल्यू एज अ पैरामीटर उसमें दिखाई गई होगी। ये सारी चीजें हैं दोस्तों, में कितनी सारी चीजें आती हैं। तुम ये चीज देख के चलो, लॉजिक्स पे मैं बच्चे को कभी भी इतना ज्यादा वर्क नहीं कराता, क्योंकि लॉजिक्स क्या है, लॉजिक्स लेते हैं टाइम, और इनफाइनाइट लॉजिक्स हैं, अनकाउंटेबल लॉजिक्स हैं। तो हमें नहीं मालूम है कि कब कौन सा किस तरह का लॉजिक आ जाए, और केवल अगर हम लॉजिक पे वर्क करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, क्या हमारी जावा या फिर कोई भी चीज कभी खत्म होगी, नहीं। कभी भी खत्म नहीं होगी। लॉजिक को अगर तुम्हें इंक्रीज करना है, अपने लॉजिक्स या फिर अपने कॉन्सेप्ट खुद बनाने हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक रफ पेपर लेना पड़ेगा, जैसा कि तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो व्हाइट पेपर है दिख रहा है सबको। Yes. अब इसमें सीधा तुम सोच लो कि तुम्हें करना क्या है। मान लो अगर तुम्हें क्या करना है, तुम हो और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करना है, ठीक है। तो परचेज करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तुम क्या करते हो, किसी भी पोर्टल को ओपन करते हो और उस पोर्टल पे उस आइटम को क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। यहां पर मैं तुम्हें इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि मेरे माइंड में इमेज बनती रहती है, लेकिन तुम्हारे माइंड में इमेज अभी इस तरह से नहीं बनती क्योंकि तुमने फ्लो नहीं बनाया कभी। अब अगर किसी भी आइटम को हमें परचेज करना है तो सबसे पहले उसके लिए क्या होगा, एक मेथड होगा परचेज, ठीक है। और परचेज में क्या होगा, परचेज में होगा उस तरह का आइटम एज अ पैरामीटर, इसी तरह से तो होगा। अब यहाँ पे अगर आइटम अवेलेबल है तो तुम उसे परचेज कर पाओगे, और अगर आइटम अवेलेबल नहीं है तो परचेज नहीं कर पाओगे। तो क्या करोगे तुम, वो मेथड की बॉडी में लिख दोगे। अब अगर वो आइटम तुम्हें किसी को गिफ्ट देना है, अपने घर नहीं ले जाना, तो फिर तुम क्या करोगे, एक नया मेथड जो क्या है, गिफ्ट है, यहाँ से आइटम उठा के तुम क्या करोगे, इस वाले जिसे भी देना उसके एड्रेस पे भेज दोगे। तो यहाँ पे हम फ्लो बनाते हैं ना, तो वही सारी चीजें यहाँ पर रहती है कि अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू लेनी है, वैल्यू को किस तरह से प्रोसेस करना है, कम ज्यादा करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग लॉजिक। अब जैसे कि आर्यन ने क्या बोला पिछले वाले प्रोग्राम में कि सर 5 और 6 अगर आए तो फिर ये क्या करे, कंटिन्यू। तो हमारी कंडीशन है 5 और 6 की, तो हमने क्या लगाया, हमने ये लगा दिया कि अगर 5 है और और 6 सिक्स है, है तो वो स्किप हो जाए। एंड कंडीशन क्यों नहीं लगती, क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही वैल्यू होगी ना। हाँ अगर एक टाइम पे एक वैल्यू होगी, और एंड कंडीशन क्या बोलती है, जब दोनों ही जो कंडीशन है वो ट्रू हो या फिर जितनी भी कंडीशन है वो ट्रू हो, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक भी फॉल्स होगी तो फिर क्या, वो कंडीशन वो बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसलिए हमने वहां क्या लगाया, हमने वहां और लगाया कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है
तो फिर वो बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो इसलिए या तो 5 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा, वो बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अपने लॉजिक्स बनाते हैं। जितने भी प्रोग्राम हैं, वीडियो हैं, उन्हें देखो, देखने के बाद इंटरनेट पे भी सर्च करो, चीजें वहां से पढ़ो, और केवल वही चीज पढ़ना जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है। जो नहीं पढ़ाई उस साइड अभी भी माइंड अपना डाइवर्ट मत करना, ठीक है? जब तुम्हारी चीजें सही हो जाएंगी, जब तुम चीजें सीख जाओगे, तब फिर मैं तुम लोगों से खुद बोलूंगा कि नाउ यू आर रेडी। ओके चन्नी बेटा, तुम्हारे कोई डाउट है? नो सर। अभी तुमने प्रोग्राम तो बनाए नहीं होंगे डेफिनेटली। नहीं सर, बनाया था आज। पक्का? यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। कल सर आपने बताया था द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस, सिंपल बेस्ड पावरफुल वर्ड। तो उसने आपने लिखा था कि जब हम कोई मतलब जब हम ऑलरेडी क्लास में कुछ इंक्लूड करते हैं या क्लास बनाते हैं तो उसमें जो कोड होता है मतलब कि हम खुद से पुट अप करते हैं, या अगर मुझे ये चीज को समझ नहीं आई। वो बेटा ये है कि मान लो जब हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी बोलती है ना कि इस तरह के प्रोजेक्ट हमने पहले बनाए हुए हैं, होता है इस तरह का। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट पहले से एग्जिस्ट करता है, कंपनी ने कोई भी प्रोजेक्ट पहले से बनाया है, तो उसका कोड भी अवेलेबल होगा कंपनी में। अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन बनानी है और बनाते वक्त अगर हमें पुरानी फंक्शनैलिटी को यूज करना है, ठीक है, या फिर पुरानी फंक्शनैलिटी अपने नए सॉफ्टवेयर में इनेबल करानी है, तो फिर हम क्या करेंगे, या तो हम कोड लिखें सारा का सारा। तो ये क्या है, अगर हम कोड दोबारा से लिखेंगे जो पहले से एग्जिस्ट करता है तो ये टाइम भी लेगा, टाइम भी लेगा। अगर आपका टाइम बढ़ रहा है किसी भी डेवलपमेंट में, यानी कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसलिए इस टाइम को कम करने के लिए अगर कोई भी चीज पहले से एग्जिस्ट करती है तो हम उसे क्या करते हैं, इनहेरिट, जिससे हमें कोड लिखना ना पड़े। हमने क्या करा, कोड को दोबारा से यूज कर लिया। ओके, इसलिए हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। अब क्लियर? अच्छा यस सर। और क्लास बी में हम एक्सटेंड और इनहेरिट, देखो जिस जो भी हम नई क्लास बनाते हैं, जिस क्लास में भी हमें क्या करना है, पुरानी फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना है, तो उस क्लास में हम क्या करते हैं, उस क्लास में पुरानी क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कीवर्ड एक्सटेंड्स। यहां पर मुझे कॉन्सेप्ट इसलिए बताना था, इसलिए मैंने दो क्लास क्रिएट करी, एक पेरेंट और एक चाइल्ड, जिससे तुम्हें क्लियर हो कि इनहेरिटेंस होता कैसे है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ इनहेरिटेंस हम कब यूज करते हैं, कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास पहले से बनी होती है या फिर पहले से कोई कोड अवेलेबल होता है और हम एक नया कोड लिख रहे होते हैं और पुराने कोड की हमें कुछ फंक्शनैलिटी या सारी फंक्शनैलिटी या उससे ज्यादा फंक्शनैलिटी हमें क्या करनी होती है, उसमें डिफाइन करनी होती है, यूज करनी होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने टाइम को बचाने के लिए हम उस कोड को रीयूज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। अब क्लियर? ओके सर। यस सर। और सर ऐसा भी होता है कि जैसे हमने चाइल्ड से पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया तो हम चाइल्ड क्लास को कॉल करेंगे। चाइल्ड से पेरेंट को कभी भी एक्सेस नहीं, हाँ चाइल्ड से पेरेंट को एक्सेस कर लेते हैं तो हम चाइल्ड। सर इसमें इंटरचेंज भी होता है क्या, एक्सचेंज? इंटरचेंज हम क्यों करेंगे, हम नया कोड लिख रहे हैं तो पुराने कोड में हम नया कोड को इनेबल कराएंगे, नहीं ना? अगर हम पुराने कोड में नए कोड को यूज कर रहे हैं तो उसके इसमें वो कोड तो चेंज हो जाएगा ना, यानी कि फिर वो नया हो जाएगा। समझी? यस सर। नहीं समझी? नहीं। अगर हमारे पास कोई भी एक कोड है पुराना, ओल्ड कोड, ठीक है, यहाँ पे मान लो 4 लाइन है और हम एक कोई भी न्यू कोड लिख रहे हैं और ये ओल्ड कोड को हमने क्या करा, इनहेरिट करा। इनहेरिट करते वक्त ये वाली सारी की सारी जो भी कोड था ये वो यहाँ पे यूज हो गया। अब अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी क्या हुई, या तो इससे ज्यादा होगी या इसके बराबर होगी,
अब कल को अगर हम इस कोड को दोबारा इसमें यूज करना चाहें तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी से यूज कर रहा है, लेकिन अगर इसकी फंक्शनैलिटी हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे तो उस क्लास की फंक्शनैलिटी और ज्यादा होगी, तो फिर वो वाली क्लास ओल्ड नहीं होगी, वो न्यू क्लास होगी। क्यों? क्योंकि उसमें फंक्शनैलिटी एक्सेस करी है। किसकी? इस वाली क्लास की। और ये वाली क्लास क्या होगी? ये वाली क्लास उसके लिए ओल्ड की ओल्ड। ठीक है। अगर पेरेंट है और पेरेंट का कोई क्या है चाइल्ड, तो ऐसा नहीं होगा कि ये चाइल्ड इसका पेरेंट बन जाएगा। कभी ऐसा हुआ है रियल लाइफ में? नहीं। तो ये चीज़ है याद रखना। ठीक है, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग सेव कर दे रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना, सारी चीजें समझना। कल हम सर ये न्यू क्लास है, वो ओल्ड न्यू क्लास की प्रॉपर्टी ओल्ड क्लास ले सकती है, इनहेरिट कर सकती है? नहीं, ये तो मैं बस जो क्वेश्चन था उसका आंसर दिया है। न्यू क्लास की ओल्ड क्लास कैसे ले लेगी? पुराने टाइम में क्या आते थे? पुराने टाइम में एलईडी आती थी, वो एलसीडी डिस्प्ले। अब क्या आती है? एलईडी। ऐसा थोड़ी है कि एलईडी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके फिर से एलसीडी आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर कुछ भी चीज आएगी तो उसमें फंक्शनैलिटी एडेड होगी। किसकी? एलईडी की। ठीक है, चलो फिर मैं इसे सेव करता हूँ। आज का हम इसे यहीं क्लोज करते हैं और कल हम पॉलीमॉर्फिज्म पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।